हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अन अकेडमी मेरा नाम है शिवांगी गौतम और आज के क्लास में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर डिस्कस करने वाले हैं रिसेंटली आप लोगों ने ऑलमोस्ट एट एवरी प्लेटफॉर्म ऑफ सोशल मीडिया अक्रॉस द न्यूज़पेपर सिर्फ एक ही न्यूज को देखा होगा क्लाइमेट चेंज का जो असर हो रहा है और किस तरीके से जो सिटी ऑफ कैनाल्स है वेनिस किस तरीके से सूखा पड़ गया है जहां पे द ब्यूटी ऑफ वेनिस रिफ्लेक्टेड इन द गडोलाज ऑफ वेनिस वो एकदम खाली बैठे हुए हैं द द मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन जिसकी वजह से देर इज टू बी बीम फैबुलस यू नो लाइक अ फुटफॉल इन टर्म्स ऑफ टूरिस्ट एक्टिविटीज इन वेनिस सब कुछ सूखा पड़ गया है क्या रीजन है इसका वॉट इज द रीजन द सिटी ऑफ केनाल्स इज रनिंग ड्राई एंड वाई वेनिस गडोलाज आर सिटिंग आइडल अगर हम बात करें वेनिस की ये पहला सबसे पहला सवाल ऑब्वियसली यही आता है कि लोकेटेड कहां पर है ये शहर और क्या क्या चेंजेस हमको यहाँ देखने को मिले हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ चेंज क्या रीजन रहा है तो एड्रियाटिक सी जो है उसके शोर्स पे वेनिस को बनाया गया था और अपने केनाल्स के लिए अपने ब्रिजेस के लिए ये शहर बहुत फेमस था जहां पर इटालियन सिटी है जो हार्बर करता है केनाल्स को और इस तरीके से कि प्रोटेक्ट किया गया है शेल्टर किया गया है इस सिटी को फ्रॉम द मेन लैंड और ट्रांसपोर्टेशन विद इन द सिटी प्रोवाइडेड की जाती है बाय द गोंडोला राइड्स अगर आप ये दो इमेज

पावर बना टेंथ सेंचुरी में जाके और 1987 में वेनिस और जितने भी उसकी लगून साइट्स हैं उनको यूनेस्को के लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में ऐड किया गया था और प्रोटेक्शन वगैरह बहुत दी गई थी वेनिस को, बट ऐसा क्या हो गया कि ड्रेन्स बन गए हैं आप अगर प्रेजेंट इमेज देखोगे इवन फ्रॉम दिस इमेज यू कैन से दिस लुक्स नथिंग लाइक द ब्यूटिफुल वेनेस जो कि मूवीज में शोज में दिखाया जाता है रिपोर्ट्स के हिसाब से जितने भी फेमस कैनाल्स हैं वेनिस के वो ऑलमोस्ट ड्रेन्स को रिजेंबल करने लगे हैं दे है ये ड्राई स्टेट क्या

कंडीशन जिसकी वजह से गोंडोलाज नेविगेट नहीं कर पा रहे हैं कहीं भी वॉटर टैक्सीज की बात करें एम्बुलेंसेज की बात करें कुछ भी नेविगेट नहीं कर पा रहे हैं एंड सम ऑफ ऑफ द मोस्ट फेमस वेनिस जहाँ पे रेनफॉल uh, की कमी है हाई प्रेशर सिस्टम बिल्ड हो गया है फुल मून है सी करेंट है इन सब के अभाव की वजह से भी आप देख सकते हो द लो राइट्स हैव एक्चुअली कि इवन द राइड्स आर एम्बुलेंसेजर्ड और लोगों को फॉर अ गुड गुड डिस्टेंस दे हैव टू पुल इट उनको खींच के अपने गोंडोलास को लेके जाना पड़ता है फ्रॉम वन एंड टू द अदर और सिर्फ वेनिस ही नहीं है जो कि इससे सफर कर रहा है ड्यू uh, टू अगर आप साइंटिस्ट uh, uh, की एनवायरमेंटल ग्रुप्स की बात करोगे पूरा का पूरा इटली इस दिक्कत से जूझ रहा है तो साइंटिस्ट और एनवायरमेंटल ग्रुप्स की अगर हम बात माने तो एल्प में पिछले साल अगर आप बात करोगे इट रिसीव लेस हाफ ऑफ देन नॉर्मल स्नोफॉल इन द विंटर्स 2022 में अपना सबसे गंदक ऑलमोस्ट uh, सत्तर साल का सबसे गंदा नादन uh, इटली को uh, सबसे गंदा ड्राउट देखना पड़ा सबसे गंदा सूखा पड़ा था उनका क्योंकि एल्प्स में uh, स्नोफॉल नहीं होती इसी के साथ साथ इतना ड्राई विंटर की वजह से अब ये लग रहा है कि कमिंग समर टाइम में Uh, हो सकता है इटली को ड्राउट का भी सामना करना पड़े एज अंड इट माई जिस्ट बिकम अना दर इमरजेंसी अन दर हेड एक फॉर इटली दिक्कत की बात क्या है अगर बर्फ की बात करें सिर्फ पिक्चरेस या ब्यूटी के लिए नहीं होता है वो लेकिन जब बर्फ मेल्ट होती है ना द पानी इट द वाटर सीव्स अंडरग्राउंड एंड इट इन्श्योर्स दिस ग्राउंड वाटर कैन बी यूज्ड इन द समर्स व्हिच इज एग्जैक्टली व्हाट वॉट इज फेसिंग द ड्राउट फ्रॉम क्योंकि इस बार बर्फबारी हुई ही नहीं है वहां पर बहुत अच्छे से एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इटली की जो लॉन्गेस्ट रिवर है पोक की अगर हम बात करें जो एल्प से नॉर्थ वेस्ट तक जाती है एडियार्टिक कोस्ट के उसमें साल के अब आप इमेजिन करो अगर इटली की सबसे लंबी नदी में ही इतना कम पानी है ऑलमोस्ट अपनी फोर्टी परसेंट कैपेसिटी पे रन कर रही है तो बाकी के एरियाज में क्या हाल होगा इस कदर का सूखा पड़ा था दो हजार बाईस में इटली में दैट आर लॉट ऑफ रीजन इन इटली वो रनिंग ड्राइव अगर हम मेगा पिक्चर की बात करें क्या सच में ऐसा हुआ है uh, क्या सच में ये एरियाज ऐसे हैं, एंड वॉट इज द मेजर इफेक्ट ऑफ द सीन जो वेनिस में हो रहा है क्या वो सच में किसी बिगर पिक्चर का पार्ट है एब्सोल्यूटली येस yes. बहुत सारे क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट साइंटिस्ट इन्वायरमेंटलिस्ट सब लोग एक ही चीज को बोल रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज का असर अलग अलग देशों पे अराउंड द ग्लोब हो रहा है इंक्लूडिंग द वेरी वेरी वार्म फेब्रेरी जो इस बार हमको भारत में भी देखने को मिला है तो दैट इज वन ऑफ द लार्जर इमेजेस या बोल सकते हो लार्जर पिक्चर या बिगर पिक्चर जिसका पार्ट हिंदुस्तान भी है पिछले साल रैली ने अपना सबसे गंदा ड्राउट झेला था सत्तर सालों में और यू रिपोर्ट के हिसाब से 75 दुनिया का पॉपुलेशन ड्राउट झेल रहा होगा बाय द ईयर 2050 अगर हम अभी भी नहीं सीखे हैं हमारी गलतियों से आ, इवन आफ्टर सो मेनी ड्राउट इवन आफ्टर सो सच सच अ अमेंट क्लाइमेट चेंज स्लैपिंग ऑन आर फेसेस दैट मीन्स वी रियली रियली नीड टू पुल अप सॉक्स पोलापाउजेंड फिफ्टी एज अयोर या जैसे जैसे हम दो तक जा रहे हैं नेचर अपना वार्निंग सिग्नल हमको किसी ना किसी तरीके से दे रहा है कि भाई सुधर जाओ एनवायरमेंट को बचा लो ट्राई टू बिकम मोर ग्रीन ट्राई टू बिकम मोर सस्टेनेबल ताकि यू कैन एक्चुअली इंजॉय दर्थ टिल एज लॉन्ग एज इट लास्ट सो आज की क्लास में मेरी तरफ से बस इतना ही स्टेट ट्यून फॉर मोर एट एन अकेमी लाइक दिस वीडियो शेयर इट एज मच एज यू कैन एंड सब्सक्राइब टू दिन अकेडमी यूपीएससी अनस्टॉपेबल चैनल थैंक यू सो मच एंड अ फैन डे एवरी